की डेट है 12 अगस्त 2023 और आज के दिन मैंने एक प्लान बनाया था मुंबई से इंदौर और फिर महाकाल मंदिर वगैरह मतलब अपना एमपी में जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई। हालांकि बाइक मैंने सर्विसिंग करके ऐसी रख दी थी और सोचा कि राइड जब भी रहेगी तभी इसको निकालूंगा, लेकिन अभी दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पाइप है ना इसका कार्बोरेटर का, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो पाइप है कार्बोरेटर का, इससे पेट्रोल लीकेज हो रहा है। अभी कार्बोरेटर यहाँ पे है, ये पाइप जो है ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये जो स्क्रू है इसको भी मैंने टाइट किया था लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में तो अपने को ऑन द वे बहुत दिक्कत हो सकती है। कॉक मैंने पीछे से बंद किया है इसके लिए अभी यहाँ पर लीकेज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो कॉक मैं ऑन करूँगा तो यहाँ से पेट्रोल आना शुरुआत हो जाएगी और अगर ऐसे ही मैं राइड पे चला जाता तो फिर अपना बहुत ज़्यादा पेट्रोल चला जाता, नहीं तो और दूसरा कुछ प्रॉब्लम भी बड़ा निकल सकता था। तो अभी अपनी जो राइड है वो एक दिन डिले करनी पड़ेगी। तो अब देख रहे हो ये पाइप से पेट्रोल आ नहीं रहा है, अभी मैं जाके कॉक ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कॉक किया ऑन, अब थोड़ी देर में यहाँ से देखोगे तो पेट्रोल आना शुरुआत हो जाएगा। ये देखो आपको दिख रहा है ये यहाँ से पेट्रोल लीकेज हो रहा है, ये देखो। तो ये फ्लो वैसे तो ज़्यादा ही है, अपनी टक्की पूरी खाली हो जाएगी तो पूरा पेट्रोल नीचे वेस्ट हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा फ्लो ऐसे ही रहा तो पेट्रोल जल्दी खाली हो जाएगा और फिर अपनी पूरी राइड की वाट लग सकती है। इससे अच्छा है कि एक दिन लेट हुए लेकिन कार्बोरेटर का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके ले, शायद इसमें से कचरा आ गया रहेगा। मैंने जमाल को फ़ोन किया था, जमाल जो मेरा रेगुलर मैकेनिक है उसको मैंने फ़ोन किया था, तो उसने बोला टूथपिन रहेगी उसमें कचरा आ गया रहेगा जिसकी वजह से ये लीकेज हो गया रहेगा। तो अभी ये प्रॉब्लम अपने को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी मैं गैरेज के लिए ही निकल रहा हूँ। वैसे आज मेरा थोड़ा मूड स्पॉइल हो गया क्योंकि आज मुझे निकलना था इंदौर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं ये प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दे क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम आ गई, जाके मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। आज के जगह कल निकलूंगा, थोड़ा राइड में अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अब देखता हूँ कुछ जुगाड़ करके, जैसे कि ये जो पाइप है ना इसको मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा बांध दूंगा रबर से वगैरह और फिर ड्राइव करूंगा क्योंकि गैरेज जो है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। ये मैंने फ्लैप भी लगाया था ताकि अपना सैडल बैग ख़राब ना हो बारिश के पानी की वजह से, जो कीचड़ उड़ता है इसकी वजह से। हवा भरवानी है सबसे पहले क्योंकि एक हफ्ते बाद बाइक निकले तो हवा थोड़ी सी कम हो गई है। कहाँ यहाँ आ रहा है नैनो वाला, अब ये होता है मतलब अभी हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं तो पेट्रोल पंप हर जगह चेंज हो जाता है। दिन में 5-5, 6-6 बार हम लोग रिफ़िल करते हैं, अलग अलग पंप अलग अलग पेट्रोल, तो कौन से पेट्रोल पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो अपने को पता नहीं रहती। तो जैसे ही पेट्रोल डालते हैं साथ में कुछ कचरा वचरा चला जाता है, तो वही कचरा जाके कार्बोरेटर में जमा होता है और फिर ये दिक्कत आती है। हैंडल भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये, तो उसको भी दिखाऊंगा कि भाई हैंडल क्यों इतना ऐसे हेवी लग रहा है मुझे। चाहे से बहुत दिन बाद निकल रहा हूँ इसके लिए भी ऐसा लगता रहेगा। धूप आई है यार, सुबह से बारिश है ना इसके लिए निकलने को भी नहीं मिला। गाड़ी भी देखो 30-31 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो सोचो मैंने कितनी जगह से पेट्रोल डलाया रहेगा और क्या क्या कचरा अंदर गया होगा। मेरे सामने 10 से 12 स्कूल बस जा रही है शायद पिकनिक है बच्चों का, पीछे भी है आगे भी, देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है और बस के अंदर सब बच्चे और ये गोप्रो देख के तो फिर वहाँ रहे। वो किया था मैंने कल, उसको और टाइट किया था बट उसके बाद भी लीकेज हो रहा था। इसमें एयर मार देगी अपन, पाइप निकल दे, कार्बोरेटर ट्रिम कर देंगे, शॉर्टकट में काम कर देंगे इसको। शॉर्टकट में आज मेरा पूरा दिन वेस्ट गया, आज मेरे को जाना था। सब ओके हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी जमाल ने देखा प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, तो अभी बोलता है कि कार्बोरेटर पूरा खुलने की जरूरत नहीं है, कुछ एयर मार के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अभी वही कर रहे, एयर मार के देखेंगे थोड़ी देर रख के कॉक ऑन करके कि लीकेज हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो कार्बोरेटर खुलेंगे, नहीं तो फिर इतना मशक्कत नहीं करेंगे। अब वो एयर के लिए थोड़ा रुके क्योंकि गाड़ी हीट हो गई है, क्योंकि अभी मैं 13 किलोमीटर चला के आया ना, तो जैसे ही ठंडी हो जाती है वैसे वो काम करना शुरू करेंगे। सच में अगर ये 5 मिनट का काम रहता ना तो फिर पूरा मेरा आज का 12 घंटा वेस्ट हो गया, क्योंकि 12 घंटे में मैं इंदौर पहुँच जाता था। लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ अ ट्रैवल, हम जैसा सोचते वैसा होना ज़रूरी भी तो नहीं है। जो पेपर वेपर बनो तो ना ये खर्चा बनता तो संदेश लोड नहीं रे तीजी टाकी काढायची दिशा लोड नव्हता ना बोलू लडाख जम्मू काश्मीर परत चायना गाडी घेऊन लोक विमान जातात गाडी जातात पेट्रोल पडतं यासे अभी पेट्रोल आपण टेंक कर रहे अभी एअर मार के उसमें का कचरा हटा देंगे
तो देखते हैं अपन प्रॉब्लम अपना सॉल्व होता है कि नहीं। वहां से देखो एयर निकल रहा है क्या? कहां से? यहां से नीचे हवा पाइप से ना? हाँ, आ रहा है, एयर आ रहा है। तो कार्बोरेटर को खोलने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अभी अपन चेक कर रहे हैं, देखते हैं एक आधे घंटे तक। अभी तो पेट्रोल फ्यूल फ्यूल वर्कफ्लो नहीं हो रहा था। हाँ। अभी गाड़ी अपनी वर्कफ्लो हो रही थी। हाँ। तो अपन ने चेक किया, अभी तो उसमें फिलहाल पेट्रोल नहीं आ रहा है। अभी अपन कार्बोरेटर वगैरह में हवा मार के देखे तो उसकी जो सेटिंग आती, कंपनी की सेटिंग सेट की हुई थी, उसको हलाना नहीं मांग रहे। जो कार्बोरेटर में दिक्कत आती उसकी कारण उसको खोलने का। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आता तो उसको खोलने का नहीं लगा। ओके, क्योंकि ऐसे टाइम पे कभी कभी एवरेज पे भी इफेक्ट आता है ना, अगर समझो कार्बोरेटर खोलेंगे तो सेटिंग आती है, फिर जिसका फ्लोट आता है या ठीक से फिटिंग नहीं हो गया या जेट कौन सा टाइट नहीं होता है, फिर कार्बोरेटर दिक्कत देती है, गाड़ी चलने में दिक्कत करती है। ओके, समझ गया। इसी वजह से कार्बोरेटर को खोला नहीं, ऐसे ऊपर से सेटिंग कर दिया और जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली ऊपर से भी सॉल्व हो जाता है। अभी देखेंगे, आधा घंटा ऐसे रखेंगे, देखेंगे फ्लो हो रहा है क्या, या तो एक ट्रायल मार्केट चेक कर लेंगे। तो जो हैंडल का प्रॉब्लम बोला था मेरे, जो हैंडल थोड़ा सा हेवी जा रहा है तो अभी वो थोड़ा लूज कर रहा है जमा। तो अभी यहाँ से देखो लीकेज नहीं हो रहा है। एक आध घंटे रुके हम लोग, मैं एक राउंड भी मार के आया, अब लीकेज बंद हो गया। तो अब मैं ये प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गया। अभी जमाल को पूछते, जमाल कितनी कितना इसका? अरे लेने दे यार। लेता ही नहीं कभी। चल निकलो क्या? आज चल। कल मुझे वैसे जल्दी निकलना है तो सोच रहा हूँ अभी से पेट्रोल भर के रख देता हूँ, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलेगा और बाद में अभी घर पे जाने का, अब मैं वापस से बाहर भी नहीं आऊँगा। ऑनलाइन है क्या इसके पास? घर पे ला के रखने के बाद आधे घंटे बाद में देख रहा हूँ ना, अभी प्रॉब्लम सॉल्व है अपना फाइनली। तो अभी कल कुछ बिना टेंशन के निकल सकता हूँ। जमाल जो बोल रहा था ना वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली वो ये बोल रहा था कि कार्बोरेटर का जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, कार्बोरेटर खोल के कभी नहीं करने का, मतलब जो सेटिंग हुई रहती है ना वो कंपनी से फिटेड होकर आती है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है ना कि ये बाइक को 30 का एवरेज है, ये बाइक को 40 का एवरेज है, वो एक्चुअली कार्बोरेटर की सेटिंग पे। अभी तो खैर कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है, तो जो कार्बोरेटर बाइक है उनके लिए ये है। कार्बोरेटर या तो सर्विस सेंटर में क्लीन करवा लो खोल के, या फिर कोई एक्सपर्ट मैकेनिक के पास, लेकिन कार्बोरेटर ऐसे खोला नहीं जाता। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है ऊपर से क्लीन हो जाता है, कार्बोरेटर का जो भी सिस्टम रहता है उसी हिसाब से बनाया रहता है। क्योंकि एक बार अगर कार्बोरेटर खोल दिया ना, फिर उसकी सेटिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है, फिर उसके बाद जो एवरेज है उसमें दिक्कत होती है। इसके लिए जमाल ने ये सब थ्योरी बताया। कल से अपनी इंदौर वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, तो इंदौर से जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपको कल की डेट में इंदौर सीरीज़ के साथ। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। और आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि कार्बोरेटर के रिलेटेड वगैरह या फिर एक्सट्रीम 200R के रिलेटेड, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो।